नई शिक्षक नियमावली का लगातार वामदल विरोध कर रही थी, इसके बावजूद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, नोटिफिकेशन भी हो गया, अब परीक्षा के का ऐलान भी हो गया, तारीखों का ऐलान भी हो गया। हमारे साथ महबूब आलम जी हैं जो लगातार शिक्षकों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, वामदल विधायक दल के नेता भी हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोग लगातार विरोध तो कर रहे थे लेकिन सरकार आपके विरोध से डरी नहीं, उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, परीक्षा की तिथि का ऐलान भी हो गया, आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए, सरकार को हम डरा नहीं रहे थे, सरकार का हम सहयोगी दल है, सरकार का समर्थन करते हैं, तो हम निश्चित रूप से मानते हैं कि नियोजित जितने शिक्षक थे वो योग्य ही थे। आपने ही तो उनसे काम लिया 15 साल तक, और 15 साल तक काम ले करके अगर आप उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, आप अभी आकर के समझते हैं कि वो शिक्षक प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, वो नहीं कह सकता है, तब तो आप पर सरकार पर इल्जाम लगेगा ना कि तो 15 साल तक आपने जो पैसे दिए उस पैसे का दुरुपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, तो सवाल है। इसलिए ये दुर्भाग्यजनक है। सरकार को से अभी भी हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सरकार ने अपने बहुत फैसले का संशोधन किया है, जिस तरह से शराबबंदी के मामले में आपका वो कितने संशोधन हुए, और यहाँ तक कि जो जहरीली शराब पीकर मरने वाले के परिवार को हम लोगों ने जो मांग की कि मुआवजा दिया जाए, पहले सरकार एडामेंट थी, मुख्यमंत्री एडामेंट थे, हम लोगों ने समझाया उनको कि आप गार्जियन हैं, आपको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए कि जो पिएगा जहरीली शराब वो मरेगा, तो जो भी सरकार आज ने वापस लिया उसको फिर उन लोगों को आपको मुआवजा देने की घोषणा की। अब ये डिमांड करें कि जैसे जहरीली शराब वाले मामले में सरकार बैकफुट पे आई, शिक्षक नियमावली में भी बैकफुट पे आए, सरकार इसको रद्द करे। नहीं, मैं बैकफुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। हम सरकार को चारों तरफ से सड़क की पार्टी, हम लोग तो मंत्रिमंडल में गए नहीं है। मंत्रिमंडल में नहीं जाने का एक ही कारण है कि सरकार जो एसी में बैठ के अपने सेक्रेटरीज के डायरेक्शन पर जो नीति वगैरह बनाती है वो जमीन पर कितना सार्थक हो रहा, सकारात्मक हो रहा, ये देखने की जिम्मेदारी हमारी है। चौकीदार की भूमिका में जी, ये चौकीदार नहीं, समझ लीजिए जनता के तरफ से हम एक निगरानी कर रहे हैं, और हमको लगता है कि सरकार को नियमित शिक्षकों, ये आपको नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देना चाहिए था। अभी भी मांग करता हूँ कि इसे परीक्षा ले रहे हैं आप, शिक्षा को मजबूत कीजिए, शिक्षा बर्बाद हो गई है, ये सच है, इसलिए शिक्षा को मजबूत करने के लिए क्रैश प्रोग्राम सरकार को लेना होगा। जरूरत पड़ने पर दूसरे जो विभाग है उन विभागों का पैसा भी कटौती करके शिक्षा में लगाना होगा। बेहतर शिक्षा का प्रोग्राम लीजिए, हम लोग समर्थन करते हैं, और जितने नियोजित शिक्षक रहे हैं उनको शिक्षा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि सरकार तो बैकफुट पे नहीं आ रही है, आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पे आएगी? नहीं, सरकार हम लोग बात करेंगे, हमारी पार्टी की तरफ से हमने संदीप सौरभ को इंटरेस्ट किया है, तमाम शिक्षक नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है, और पार्टी की भी निगरानी है, अभी दीपंकर जी आएंगे, और हम लोगों ने गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें हम लोगों ने रखा है, और हम लोग जो मांग रही है लंबे समय से कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, तो उसकी शुरुआत अभी अभी हुई है। पिछले दिनों हमारे गठबंधन के नेताओं की जो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी होते हैं, उनकी एक बैठक हुई, और उस बैठक में जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय गठबंधन के नेताओं का एक कोऑर्डिनेशन होगा, और फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पहल से बिहार ने जो अगुवाई की जिम्मेदारी ली है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश बेचा जा रहा है, 12 को बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, और जिस तरह से हम लोगों ने पहल किया, हमारी पार्टी ने महाधिवेशन बिहार में रख के और तमाम विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण नेताओं को आमंत्रित करके हमने एक पहल किया कि बिहार ही आने वाला दिन में इसकी अगुवाई करेंगे, नेतृत्व करेगा, जिस तरह से जेपी मूवमेंट में बिहार ने किया था, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बिहार एक नंबर में है, और इसका हम स्वागत करते हैं। ये एक और सवाल है, अंतिम सवाल है कि बीजेपी की केंद्र की जो सरकार है उन्होंने 9 साल पूरे किए हैं, और इन 9 साल का लेखा जोखा जो है वो जनता के बीच में बीजेपी के नेता लेकर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बीजेपी का 9 साल जो बेमिसाल दावा हो रहा है कितना बेमिसाल है? ये 9 साल लोकतंत्र के लिए विनाशकाल साबित हुआ है,
हम लोग ले जा रहे हैं लगातार कि 9 साल में कौन ऐसा उसने काम किया जो ग्रास रूट की जनता को समझाने जा रही है। ग्रास रूट की जनता अभी से देखिएगा हुट करेगी, बहुत जगह हुट करना शुरू कर दिया है। शिक्षा के सवाल पर देखिए कोई संस्थान उसने निर्माण किया, विकास के सवाल पर के कोई मास्टरपीस विकास उसका ऐसा है कि दुनिया देखती है। उसने जो कुछ भी किया 70 साल से देश ने जो अपनी संपत्ति अर्जित की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कायम किए, उन्होंने उन्हें बेचने का ही काम किया। और आने वाला दिन में आप देखिए कि जो शिक्षा संस्थान है, IIT है, बड़े बड़े संस्थान जो बनाया और देश गर्व के साथ खड़ा है पूरी दुनिया में, उन संस्थानों की फीस इसने कल जो 3 लाख रुपये से IITN बनता था आज 25 लाख रुपया हो गया, 21 लाख रुपया हुआ, तो इनका क्या विनाश काल है। ये 9 साल लोकतंत्र के लिए विनाश काल है। बिल्कुल, मक्का माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नई शिक्षक जो नियमावली है उसमें सरकार को संशोधन करने की जरूरत है। जिस तरह से शराबबंदी कानून में सरकार ने संशोधन किया, कई महत्वपूर्ण संशोधन इन लोगों के सुझाव से किया, वैसा ही संशोधन नई शिक्षक नियमावली में भी करने की जरूरत है। सुनील के साथ अनुज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।